अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं फैसल जहीर और आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज आपको दिखाने जा रहा हूं क्राउन की नई सीरीज आई है जागेर सीरीज। बहुत ही शानदार सीरीज है। इसमें तकरीबन तीन मॉडल आए हैं, 3 किलोवाट में, 3.6 जो 3600 वाट में और 5.6 जो 5600 वाट में। इस सीरीज का जो सबसे मजे की चीज जो मुझे लगी है और जो इस प्राइस रेंज में हमें मिल रही है वो ये है कि इसकी डुअल आउटपुट है। 3 किलोवाट का जो बेसिक वेरियंट है उसके अलावा जो बाकी दो रेगुलर मॉडल है उन दोनों में डुअल आउटपुट आपको मिलती है। मतलब कि डबल आउटपुट का मतलब यह है कि आप दो तरह का लोड इस पे चला सकते हैं, एक तो हैवी लोड, एक आपका रेगुलर लोड। इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जब आपका सिस्टम चल रहा है और आपका सोलर कम पड़ गया है तो आपका जो हैवी लोड है वो बंद हो जाएगा और बाकी जो रेगुलर लोड है वो चलता रहेगा। उसमें सेटिंग मौजूद होती है आपने हैवी लोड इसका कब बंद करना है और कब दोबारा से उसको ऑन करना है। तो बहुत ही अच्छी चीज है ये। इससे पहले ये चीजें हमें मिलती हैं नाइट्रोक्स के अंदर, जो कि इनवेक्स है, इनवेक्स का है, या जो बड़े इन्वर्टर्स हैं वो एक जो हाई ब्रैकेट में, हाई ब्रैकेट प्राइस रेंज में आते हैं, तो उनमें ये चीज मिलती है। अभी ये बहुत ही मुनासिब रेंज। अच्छा, एक तो ये पहली बात ये है कि जो 3.6 है इसका जो क्राउन का, ये इस रेंज में तो आपको VM2 भी नहीं मिलता। बहुत कंपनीज का VM2 इस रेंज में शायद आपको मिले या ना मिले। तो ये बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही हाई एंड मॉडल क्राउन ने दे दिया हुआ। इसी तरह अगर हम बात करें 5.6 किलोवाट की तो वो भी बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मैक्सिमम चीज मिल गई है। बहरहाल खैर, आज की वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसको खोल के दिखाएंगे, इसको ऑन करके देखेंगे और आपको इसका थोड़ा ओवरव्यू दिखाएंगे कि इसको कैसे आपने यूज करना है, और उसके अलावा आपको इसकी प्राइस भी बताएंगे कि अभी इसकी करंट न्यू प्राइस क्या चल रही है, ठीक है, और इसको आपने बाय कैसे करना है और सारे मामला इंशाल्लाह सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपकी आपको इसकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी दिखा देता हूँ, स्पेसिफिकेशन के बाद इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ। चले जी दोस्तों, ये है 3600 वाट और 5600 वाट का सोलर इन्वर्टर, ठीक है। सोलर कैपेसिटी 4000 वाट और 6000 वाट है, डुअल आउटपुट है और 100 एम्पीयर का MPPT है। अब इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। ये एक बड़ी जबरदस्त पैकिंग में आता है, तकरीबन इसी तरह की पैकिंग हर एक की होती है, और पैकिंग से हम बाहर निकालते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है इसका एक एनवेलप जिसमें इसकी कनेक्शन के लिए जो कम्युनिकेशन केबल्स होती हैं और बाकी चीजें होती हैं। और ये मेन इन्वर्टर, इसको हम इसका जो सारा रैपिंग उतारते हैं तो ये बड़ा ही खूबसूरत इन्वर्टर आपके सामने आ जाता है। वजन बहुत ज्यादा है इसका और देखने में इसकी बहुत ही अच्छी लुक है, एक प्रीमियम सी लुक है। स्क्रीन बहुत बढ़िया है इसकी, क्योंकि ये इसके बटन जो टच हैं और बड़ी मैट फिनिशिंग में अच्छी सी लुक देता है आपको। तो सबसे पहले ये ऊपर क्राउन का लोगो है और बाकी डिटेल है। ये इसकी कम्युनिकेशन केबल MC4 है कनेक्टर, क्योंकि इसको सोलर लगाने के लिए नीचे MC4 की ऑप्शन दी गई है। वारंटी कार्ड आ गया इसका, इसको फिल करने के बाद आपका वारंटी क्लेम होगा, और वारंटी की कार्ड के ऊपर एक जो डिटेल दी गई है कि वारंटी गैर मुअस्सर हो जाएगी अगर आपने ये गलती कर ली, तो इससे बचना है आपने। और ये कस्टमर केयर सेंटर है, सारे देख सकते हैं कि किसके शहर में ये वारंटी क्लेम सेंटर मौजूद है या नहीं, तो यहाँ से अपने शहर का नाम देख सकते हैं इसमें है या नहीं। चलिए जनाब, वारंटी कार्ड हो गया और उसके बाद आपको दिखाता हूँ ये CD। उसके अलावा ये आता है क्राउन का यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल जो है ना संभाल के रखना होता है और इसको आपने देखना भी जरूरी होता है। इस पर सारी की सारी सेटिंग्स जो है ना वो मौजूद होती हैं जो इसके इस्तेमाल में आपके पास जरूरत पड़ेगी। और इन्वर्टर करीब से अगर दिखाऊं आपको तो ये आ गया इसका कोने के ऊपर मॉडल का जो जावेर सीरीज का ऊपर लोगो। बाकी आउटपुट आ गई, दो आउटपुट है, AC1 आउट और AC2 आउट। दो आउटपुट देख ली, उसके बाद बैटरी का कनेक्शन है, फिर आगे सोलर के कनेक्शन MC4 इसमें लगेंगे जो साथ दिए गए हैं। और नीचे दो फैन आपको नजर आ जाएंगे, साइड पे ये स्टिकर है जिसपे इसकी डिटेल लिखी हुई है। अगर आप वो आप देखना चाहें तो ये 3.6 वाला मॉडल है, तो ये 3600 वाट है, 100 एम्पीयर MPPT है, 24 वोल्ट पे चलता है ये, और 4000 की सोलर कैपेसिटी है। वोल्टेज रेंज इसके मैक्सिमम 500 है, मतलब 120 से 450 तक आपने देने हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस कुछ दी गई हैं उर्दू में, कंपनी ने लिखी हुई है। और इसके अलावा अगर बात करें तो प्रीमियम क्वालिटी का एक स्टिकर लगा छोड़ा है कंपनी ने। ये इसका फिल्टर है, फिल्टर के ऊपर ऑन ऑफ बटन है। तो ये तकरीबन ओवरऑल हो गया इसका व्यू। और आपने देखा होगा कि नीचे इसके जो टू आउटपुट्स हैं, ठीक है, वो एक नई चीज है। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका बाकी स्क्रीन है, स्क्रीन बहुत बड़ी साइज है, काफी एरिया उसने स्क्रीन ने इसका लिया हुआ है। तो अभी जब इसको हम ऑन करके आपको दिखाऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि स्क्रीन में क्या क्या आता है। चलें सेटअप रेडी करते हैं इसको ऑन करने के लिए। लेकिन अब हमारा सेटअप रेडी हो गया, दो बैटरीज है हमारे पास 12 वोल्ट की जिनको सीरीज में लगा के 24 किया गया। ये सोगो की बैटरी है 12 वोल्ट 7 एम्पीयर की, दोनों को सीरीज में किया तो ये 24 हो गई। ये हमने तार एक पकड़ी नॉर्मल सी और ये बैटरी के लिए अंदर इसमें ये कनेक्टर दिए गए हैं। तो
इसमें प्लस और माइनस लगा दिया, बारीक सी वायर है सिर्फ, हमने टेस्टिंग करनी है तो इसलिए हम ये लगा रहे हैं इसको। उसके अलावा जो एसी इन है यहाँ पे एक मैंने तार लगा दी है और इसको एक्सटेंशन में लगा दिया, तो इसको भी ऑन करके हम देखेंगे एसी इन करके भी कि वापडा जब आती है इसके अंदर तो ये किस तरह से स्क्रीन के ऊपर हमें शो करता है। कनेक्शन रेडी हो गए, चलें इसको हम ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए बटन दिया गया इसके राइट साइड पे, तो उसको हम दबाएंगे तो इन्वर्टर हमारा ऑन हो जाएगा। इसके नीचे इसके फैन हैं और चलें सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं। ले जनाब ये ऑन हो गया एक बीप की आवाज़ के साथ और स्क्रीन देखें काफ़ी बड़ी स्क्रीन। अच्छा ये स्क्रीन आपने देखी देखी आपको लग रही होगी क्योंकि इसी तरह की स्क्रीन है उसकी इनवरेक्स की वेरॉन सीरीज की, तो तकरीबन उसका भी मिलता जुलता डिस्प्ले है। बहरहाल ये हमारा बैटरी के ऊपर सिस्टम ऑन हो गया, 230 आउट ये दे रहा है हमारा इन्वर्टर और 24.6 पे बैटरी है। ये इसके टच बटन है, यहाँ से आप इसकी सारी की सारी सेटिंग करते हैं और यहीं से इसके सारे पैरामीटर्स चेंज होते हैं। टच इसका बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट है, जितनी स्पीड से दबा रहे हैं ये पूरा आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, तो मतलब टच की क्वालिटी अच्छी है इसके ऊपर। और चलें चेक हो गया, अभी मैं कोशिश करता हूँ तो बिजली ऑन कर लें, बिजली ऑन करने के बाद इसमें क्या चेंजिंग आती है वो दिखाते हैं आपको। तो एक्सटेंशन बढ़िया हमारे पास, इसको हम यहाँ से ऑन करेंगे तो पावर ऑन हो जाएगी, इसको यूटिलिटी या बिजली या वापडा मिलना शुरू हो गई। ठीक है, ये आपने देखा होगा कि स्क्रीन के ऊपर एक गोल निशान बन गया एसी इनपुट का, 235 वोल्ट इनपुट इसको मिलना शुरू हो गई है, तो 235 वोल्ट इनपुट आ गई। तो अभी ये है जी बैटरी को भी चार्ज करेगा, अब देखें वो लाइन कनेक्ट होगी, अभी ये बैटरी को चार्जिंग शुरू कर दी और 9 एम्पीयर की चार्जिंग इसने करना शुरू, 6 एम्पीयर की अब आ गया, 6 एम्पीयर की चार्जिंग बैटरी को जा रही है 5 एम्पीयर की, क्योंकि बैटरी तकरीबन फुल थी पहले ही और ये सिर्फ बैटरी के मुताबिक जितनी जरूरत थी उतना ही करंट उसको आगे दे रहा है। तो ये आ गया हमारा स्क्रीन के ऊपर, ये सोलर के पैरामीटर 0-0 हैं, ये इनपुट आ गई हमारी और दरमियान में आउटपुट है, ये L1 और L2 दोनों दिखाएगा आपको। ठीक है, अब बिजली से हमारा बैटरी भी चार्ज हो रही है, बिजली से हमारा लोड भी चल रहा है और ये हमें बैटरी भी तकरीबन फुल दिखा रहा है, 28.3 पे हमारी बैटरी है। तो ये इसका स्क्रीन का ओवरऑल व्यू हो गया, स्क्रीन के अंदर सारे पैरामीटर्स तकरीबन आपको नजर आ गए। और अगर आपने इसकी सेटिंग करनी है तो आप एंटर का बटन दबाए रखेंगे, मेन्यू में जाएंगे और मेन्यू में जाके सेटिंग इसकी चेंज कर लेंगे, जो भी सेटिंग आपने इसकी करनी होगी। तो ये ओवरऑल एक छोटा सा व्यू हो गया कि हमारे पास क्या क्या नजर आता है हमारे क्राउन के नए मॉडल में। तो उसके अलावा इसके अंदर तो खैर हम देख नहीं सकते क्योंकि इसे खोल नहीं सकेंगे, तो अंदर देखने का खास फायदा भी नहीं है। अच्छा एक चीज यहाँ से आपको और दिखा रहा हूँ, ये गौर करिएगा जरा, यहाँ पे L2 और L1 रीडिंग चेंज हो रही है। देखिए L1 234 वोल्ट्स है और अभी इधर L2 आएगी, अच्छा वाट में बता रहे थे, L1 पे लोड नहीं है इस टाइम पे, ये लोड 1 आ रहा है। ठीक है, और यहीं पे ही चेंज करके हमें 0 वाट चल रहे हैं L1 के ऊपर, यहीं से ही चेंज करेगा। अभी ये L2 की रीडिंग हमें बता रहा है, L2 पे भी 234 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो ये एक ही जगह पे आपको आउटपुट में L1 लोड 1 और लोड 2 एक ही जगह पे आपको नजर आएगा किसका स्टेटस क्या है। जी दोस्तों ये था हमारा इन्वर्टर, क्राउन का इन्वर्टर 3.6 किलो वाट 3600 वाट का इन्वर्टर, इसका ओवरऑल एक व्यू आपको दे दिया, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, ये इन्वर्टर कैसा बना हुआ है और ये तकरीबन इसके फीचर्स क्या हैं वो आपको, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो आपको दे दिया। ये बिल्कुल एक नई सीरीज लॉन्च की गई है क्राउन की जानिब से, जो कि बहुत ही एक अच्छी सीरीज है। अभी जो स्मार्ट लोड के लिए अलग से डिवाइसेस भी आ रही हैं और वो 6 से 8 हज़ार 10 हज़ार की वो डिवाइस है, वो लगा के भी आप जो स्मार्ट लोड का काम कर सकते हैं, लेकिन जो जिस इन्वर्टर के अंदर ये स्मार्ट लोड मौजूद होता है वो तो जबरदस्त इन्वर्टर होता है। आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है स्मार्ट लोड की या डुअल आउटपुट वाले इन्वर्टर की, तो ये क्राउन ने जी उसको मद्देनजर रखते हुए ये दिया हुआ है। उसके अलावा आपको बताता चलूं कि ये इन्वर्टर जो होते हैं ये 3 किलोवाट या उससे अबव, ये तकरीबन प्योर साइन वेव में सारे के सारे आते हैं। हाँ अच्छा, जरूरी चीज प्राइस की बात करने लगा हूं मैं यहाँ पे, जो प्राइस है अभी इस इन्वर्टर की जो प्राइस रिटेल प्राइस है वो है जी 76,000, मतलब 76,000 रुपए का ये इन्वर्टर है आज के दिन जब ये वीडियो अपलोड किया मैंने। और बराए मेहरबानी अगर आप महीने बाद, 10 दिन बाद या साल बाद वीडियो देखें तो ये ना कहिएगा कि आपने वीडियो में प्राइस क्या बताई थी। और इसी तरह इसमें जो 5 किलोवाट का या 5.6 का इन्वर्टर है उसकी कीमत चल रही है तकरीबन 1 लाख रुपया, ये कीमत जनाब इससे ज्यादा या कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप किस शहर से हैं और आप ये कब इन्वर्टर ले रहे हैं, क्योंकि वैसे तो इन्वर्टर ये शॉर्ट ही रहता है, इस तरह के जितने भी मॉडल हैं उनकी डिमांड ज्यादा हो जाती है,
तो जब यही सेल होते हैं तो ये इन्वर्टर तकरीबन तकरीबन शॉर्ट रहता है और फिर ये हाई प्राइस पे बिकता है। तो बेहतर तो ये है कि अगर किसी को चाहिए तो टाइम पे ही ले ले। और हाँ, अगर आप ये बाय करना चाह रहे हैं अभी, तो हमारे स्टोर पे भी अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो ये इन्वर्टर्स के दोनों वेरिएंट और क्राउन के दूसरे भी मॉडल आपको सारे के सारे मॉडल मिल जाएंगे। बारह अच्छा, इसके अलावा अगर आपको बताता चलूँ, ये यूजर मैनुअल है, इसके ऊपर सारी डिटेल्स दी गई हैं, तो इसको आप लाजमी देखिएगा, क्योंकि जब इसको आप देखते हैं इसकी काफ़ी इंफॉर्मेशन है जो आपको मिल सकती है। और ये एक टेबल दिया गया जिस पर बैटरी बैकअप बताया गया है, और क्योंकि इसके अंदर वाईफाई भी मौजूद है तो वाईफाई कैसे कनेक्ट करना है वो आप इसके ऊपर देख सकते हैं। और मेरे ख्याल में जनाब ओवरऑल व्यू आपको मिल गया है, इसकी कीमत क्या है, इसको कैसे खरीदना है वो आपको पता चल गया है। और फिर जनाब इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दे दें, अल्लाह हाफिज।